हेलो गाइस, आज एक और वीडियो जो थोड़ा पूरा हो गया था कंप्लीट, ये हमने कहा है इसमें एक्सेलेटर पैडल फॉल्ट आ रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि ECM चेंज करना है मुझे, मतलब रिपेयर हो जाएगा तो रिपेयर, नहीं तो चेंज। तो मैं उसे एक दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ECM डाल के दे रहा हूँ, तो इसको लगाएंगे। डेटा इसमें मैंने EEPROM डाल दिया, एक लास्ट बचा है फ्लैश का, इसलिए राइट करने जा रहा हूँ। ये हमारा DC706, उसको ये करते हैं सिलेक्ट। हमारी फ्लैश क्या आईसी है, एन ए की फ्लैश आईसी। ओके, ये डेटा जाने लग गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी बूट हो गया चालू, यानी हमारा वर्किंग प्रॉपर है, हाँ इतना बस हो गया। हाँ थोड़े ऐसा करके कोई देखेगा, यहाँ तक है ना? नहीं नहीं सही है इतना। हाँ इतना तक ले लो, ये इधर मार दो, थोड़ा इतना मार लो, इधर मार दो, इसको इधर मार दो, यहाँ पे मार दो, यहाँ ऐसे खड़े में मार सकते हो ना, इधर इधर से ऐसा नहीं, हाँ ऐसा, हाँ पूरा उधर तक जाने दो बस। नहीं वो थोड़ा दिखता है, उतना चलेगा, उससे कुछ नहीं, मैं नहीं इधर का नहीं देखना। देख सकते हैं 10 यहाँ पे सेक्टर 10 तक हो गया राइट, इसका लास्ट 14 सेक्टर है, तो 11 चालू हो गया। तो इस तरह NA का भी इसमें रीड हो जाता है ECM, बस इसका कनेक्शन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसका कनेक्शन इसमें CPU कौन सा ये नहीं पता होगा तो आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसका CPU इसमें एक्चुअली 17C24 करके आता है CPU, जिसका कनेक्शन अलग है, तो आपको उसका कनेक्शन पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रीड कर पाएंगे। इसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ लास्ट में आपको। देख सकते हैं सुजुकी 17.9.64 TC 17C24N, ये CPU नंबर है इसके। ट्वेल्व नंबर का चालू हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा करने लगा तो मैं बोला वीडियो बना दो, मैंने ये इसमें रीड कर लिया है, इसमें राइट कर रहा हूँ, तो इसका डेटा अब इसमें डालूँगा और इसको रिपेयर करना है। इसमें एक्सेलेटर का फॉल्ट आ रहा है, जो फॉल्ट कोड है P1227 है, सब 2127 फॉल्ट कोड बन रहा है उसका। फॉल्ट कोड का भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ चालू है के पास इसके। नहीं नहीं हो गया, बस इसमें उसका हो गया आपका रीड करके, इसमें डाल रहा हूँ। उनको बुलाइए, संतोष ये डिस्कनेक्ट कर दें हम लोग, हो गया हमारा, हम लोग ने राइट कर दिया। और अभी आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट कोड भी क्या जनरेट हो रहा था हमारे स्कैनर में।
मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अभी इसको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लिया हुआ गैलरी में जाएगा, ये देख सकते हैं, ये फॉल्ट कोड आ रहा है, टोटल पैड पोजीशन डी सर्किट लो, टोटल पोजीशन सेंसर ए सर्किट लो, ये फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है। देख सकते हैं कि ये मतलब आपको लगे फेक नहीं है, टाइमिंग भी देख सकते हैं कब का लिया हुआ है, 1:25 मतलब 25 जून जो आज हो रहा है, टाइमिंग परफेक्ट।